हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स का, जिनका भी पैर में दिक्कत होती है और चलने में दिक्कत होती है, उनकी एक्सरसाइजेस कैसे करें और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कैसे करें। तो पैरालिसिस पेशेंट्स को सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि वो अपने अफेक्टेड लेग में वजन नहीं ले पाते हैं, यानी वेट बियरिंग नहीं हो पाती है। वेट बियरिंग का मतलब होता है जो हमारा बॉडी का वजन होता है वो उस पैर में पूरी तरीके से पड़ नहीं पाता है, और इसी वजह से पेशेंट सही तरीके से पांव नहीं रख पाते हैं। तो इसके कैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइजेस, जो कि मैं हर वीडियो में पहले भी बताता आ रहा हूँ, कि वेट बेयरिंग में पहले अफेक्टेड लेग में सिंगल लेग स्टैंडिंग करनी है। सिंगल लेग स्टैंडिंग कैसे करनी है, कोई सामने सीढ़ी होनी चाहिए या स्टेपर होता है हमारे पास, इस प्रकार का स्टेपर होता है, यानी दो स्टेप की हमारे पास ये सीढ़ी है। तो इसमें हम लोगों को एक पांव रखना है ऊपर, जो नॉन अफेक्टेड लेग है, यानी जो पैरालिसिस वाला पैर नहीं है वो वाला पैर हमको आगे रखना है, और जो हमारा पैरालिसिस वाला साइड है वो वाला पैर हमारा जमीन में होना चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड पैरालिसिस पेशेंट है, तो इनको हम लोग कैसे खड़े कराना है। जो राइट लेग है वो नॉन अफेक्टेड है, तो राइट लेग है तो ऊपर रखिए। यस, अभी क्या हो रहा है, सारा वजन जो हमारा बॉडी का वेट है वो हमारा अफेक्टेड लेग में आ गया, यानी कि लेफ्ट लेग में आ गया। तो इसमें हमारी टोटल वेट बेयरिंग हो गई। ये प्रॉब्लम होती है, पेशेंट इसमें अनबैलेंस होता है, बैलेंस बिगड़ता है, और मसल पावर वीक होता है तो जल्दी थक भी जाता है। तो हमें आसपास खड़े रहना है ताकि इनका जो बैलेंस है वो ना बिगड़े और पेशेंट गिरे नहीं, उस वजह से कोई चोट वगैरह ना लगे, तो इसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको 2 से 3 मिनट तक दिन में 3-4 बार आपको खड़े रहना है, या पेशेंट को बोलना है अपने आसपास जो आपका पैरालिसिस का पेशेंट है उनको इस प्रकार से खड़े करवाना है। यदि पेशेंट नहीं खड़े हो पाए और प्रॉब्लम हो रही है तो आसपास बेड या वॉल होनी चाहिए ताकि उनका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। जैसे यहाँ पे अगर पेशेंट का बैलेंस बिगड़ता है तो यहाँ तुरंत वो पकड़ सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका जो घुटना है वो मुड़ा ना रहे, टोटल सीधा रहे और हमारे पैर में पूरा का पूरा वजन पड़ता रहे। एक पैर एक सिंगल स्टेप में रहना चाहिए, ये पूरी सिंगल लेग स्टैंडिंग इसको कहते हैं, इसमें टोटल वेट बेयरिंग आता है। अब चलो वहाँ से हाथ हटा दीजिए। तो इसमें अब हम लोग 2 से 3 मिनट पहले तो सिर्फ स्टैंडिंग करवाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में हम लोग ऐसे ही सिंगल लेग स्टैंडिंग में अपर लिम, यानी कि जो हैंड है उसकी भी हम लोग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। देखिए, हम लोग हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेशेंट का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो पेशेंट कोशिश कर रहा है कि हम पकड़ लें ताकि गिरे नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, हमारा जो माइंड है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सारी मसल्स के साथ। जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी पैर रख रहा हूँ या कहीं पर भी पैर रख रहा हूँ, मेरा बैलेंस बन रहा है क्योंकि मेरा जो ब्रेन से कनेक्शन है वो ऑल मसल्स में टुगेदर सिंक्रोनाइज हो रहा है। लेकिन अभी इनका अगर मैं हाथ ऊपर उठा दिया तो बैलेंस वहाँ पे बिगड़ गया। ये करने के लिए आपको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पेशेंट को बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में 2 से 3 मिनट खड़े होने के बाद पेशेंट को रेस्ट देंगे। रेस्ट करने के बाद फिर से अफेक्टेड लेग को नीचे रहना है और नॉन अफेक्टेड लेग को ऊपर रखना है, साथ में हम अपर लिम की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो आप पहले फ्लेक्शन करवाइए, अगर पेशेंट खुद से कर पा रहे हैं तो पेशेंट को खुद से इंकरेज करिए कि वो ऊपर और नीचे करिए। तो नीचे करिए हाथ, फिर से ऊपर करिए, इस प्रकार से 10 बार करिए। देखिए इससे क्या हो रहा है, डायनेमिक बैलेंस बन रहा है, सिंगल लेग वेट बेयरिंग भी हो रही है और साथ में हमारा अपर लिम की एक्सरसाइज भी हो रही है। सीधा करिए, सीधा, यस, वेरी गुड। देखिए अभी पेशेंट ने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं लिया है, नहीं ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगर आप वो सिंगल लेग स्टैंडिंग में सिंगल हैंड ऊपर उठा सकते हैं तो उठाएंगे, नहीं उठा सकते हैं तो डबल हैंड जोड़ करके जैसे दोनों हाथ जोड़ लीजिए और उसके बाद ऊपर उठाइए। इसमें आपको पेशेंट के आसपास होना है, इसमें बैलेंस और बिगड़ता है, तो बैलेंस को सही करने के लिए हमें आसपास रहना जरूरी है। 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आपको पेशेंट का बैलेंस बनाना है
और वेट बेयरिंग और इम्प्रूव करनी है, आपको बैलेंस बोर्ड में पेशेंट को खड़े करवाना पड़ेगा। बैलेंस बोर्ड में खड़े करवाने के लिए पहले सेंटर में पैर रखवाइए, सबसे पहले सेंटर पर रखो, आइए छोड़ दीजिए वहाँ से पैर, आप छोड़ दीजिए वहाँ से, यस, और दूर फैला दीजिए, सीधा हो जाइए, सीधा खड़े हो जाइए। अभी देखिए पेशेंट जो है बैलेंस बोर्ड में खड़े हो गए हैं और इनका बैलेंस अभी बिगड़ रहा है, तो इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने स्टार्ट हो गया है। इनवॉलेंट्री जब स्पास्टिसिटी होती है तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होने लग जाते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जिस जो मूवमेंट का हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते वो वाले मूवमेंट्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। तो अभी इसमें पैरों की भी एक्सरसाइजेस हो रही है, घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है और कमर की भी एक्सरसाइज हो रही है, और हम लोग पेशेंट को बोलेंगे आगे और पीछे इनको करेंगे, दिखाओ यहाँ, तो इसमें टोटल बैलेंस इंप्रूव होगा और हमारे लेग मसल्स भी इंप्रूव होगी, साथ में वेट बेयरिंग भी इंप्रूव होगा। तो वेट बेयरिंग करवाने के लिए हमें बैलेंस बोर्ड में भी खड़े करवाना ज़रूरी है। फिर आप इसमें परटर्बेशंस भी दे सकते हैं, परटर्बेशंस जैसे कि हम लोग अगर फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं या आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं पेशेंट को तो बैलेंस बनेगा, या पीछे की तरफ भी धक्का दे रहे हैं तो पेशेंट की मसल्स काम करेंगे और बैलेंस बनाने में मदद करेगी, तो इसमें पेशेंट का बैलेंस और इम्प्रूव होगा। और जैसे घुटना मुड़ता है या घुटने में लचक होती है तो इसके लिए भी आप ये वाली एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस और बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइजेस, जिनका भी पेशेंट का घुटना मुड़ता है या चलते चलते लचक जाता है घुटना, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। इसी में अगर हमको एडवांस एक्सरसाइज करनी है, यदि आपका पेशेंट इतना करने में सक्षम हो जाता है तो हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे और साथ में अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे। अपर लिम्ब की एक्सरसाइज करने से हमारा बैलेंस और इम्प्रूव होगा, यानी पहले स्टैटिक बैलेंस में जा रहे थे तो अब हम डायनेमिक बैलेंस में चले गए। तो डायनेमिक बैलेंस यानी हमारा जो पेशेंट का ध्यान है वो दूसरी जगह है फिर भी वो बैलेंस बना पा रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दोनों हाथ को पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद आप यहाँ पे फॉरवर्ड टच करवाइए, यस वेरी गुड। अभी आप देख सकते हैं पेशेंट अनस्टेबल सरफेस में यानी बैलेंस बोर्ड में खड़े हैं और साथ में अपर लिम एक्सरसाइजेस भी कर पा रहे हैं, तो इससे डायनेमिक बैलेंस इम्प्रूव हो जा रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आपको इसी में और एडवांस करनी है, यानी पेशेंट अगर दोनों हाथों की एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं और बैलेंस बोर्ड में खड़े होकर के, तो और एडवांस बनाने के लिए हम लोग थेराबैंड का इस्तेमाल करेंगे। थेराबैंड या थेरा ट्यूब आप पेशेंट को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लें, दोनों हाथों से पकड़वा करके पेशेंट को बोलना है कि दोनों को ऐसा खींचे अपनी तरफ, दोनों तरफ सीधा करिए घुटना में, यस खींचे, ज़्यादा टाइट हो गया, आ गया बस, अब वापस सीधा करिएगा, यस वन। इसको भी आपको ऐसे 10 से 15 बार करवा सकते हैं, इससे डायनेमिक बैलेंस भी इंप्रूव होगा, अपर लिम स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, साथ में लोअर लिम की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ताकत इंक्रीज करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करना है। स्पास्टिसिटी भी रिड्यूस होगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये सेम पेशेंट आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं और 4 महीने बाद इतना इम्प्रूवमेंट है फ्रेंड्स पैरालिसिस पेशेंट को, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस से ही ये पॉसिबल हो पाता है, अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।